धारा 144 लागू हुई थी। बच्चों के भविष्य को लेके बात होगी, अंतिम क्षणों तक बच्चों के लिए बात करेंगे और उनसे पूछिए जो दिन रात लगे पड़े थे कि एग्जाम्स की तैयारी के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बच्चों के भविष्य का सवाल है। हेलो बच्चों, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही सीरियस मैटर पर बात। जी हाँ, काफी छात्रों ने, काफी बच्चों ने ये मांग की है कि जेईई मेंस 2022 का थर्ड अटेम्प्ट होना चाहिए। अगर यहाँ पे कुछ बच्चे, कुछ लोग कहेंगे कि सर ये वीडियो हम काफी बार देख चुके हैं इस तरीके का और काफी प्लेटफॉर्म पे देख चुके हैं, तो यार मैं आपको सबको बता दूं कि अगर बच्चों के भविष्य को लेके बात होगी या बच्चों के हित में बात होगी तो हम अंतिम क्षणों तक बच्चों के लिए बात करेंगे और डेफिनेटली करेंगे। और इंडिया के जितने भी टीचर्स हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, यहां पे हर कोई चाहता है कि बच्चों के भविष्य के साथ नहीं खेला जाए। तो यहां पे बात आती है कि जेईई मेन 2022 का थर्ड अटेम्प्ट क्यों होना चाहिए। कुछ यहाँ पे जो बुद्धिजीव हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो कहेंगे कि बच्चे तो कामचोर हैं, बच्चे तो निकम्मे हैं, इसलिए वो थर्ड अटेम्प्ट चाहते हैं, इनको पहले से ही हमने दो अटेम्प्ट दे दिए लेकिन वो थर्ड भी चाहते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बच्चों के भविष्य का सवाल है। बच्चों ने दो दो तीन तीन साल यहाँ पे मेहनत की है और उनसे पूछिए जो दिन रात लगे पड़े थे कि एग्जाम्स की तैयारी के लिए, अब क्यों चाहते हैं बच्चे यहाँ पे कि थर्ड अटेम्प्ट होना चाहिए। मुझे काफी बच्चों ने मैसेज भी भेजे, काफी बच्चों से मेरी बात भी हुई है। तो सबसे बड़ा जो यहां पे इशू रहा है बच्चों का, वो रहा है टेक्निकल ग्लिचेस। जी हां, काफी बच्चों के सिस्टम्स में प्रॉब्लम्स आई थी जब वो जेईई मेंस का एग्जाम्स दे रहे थे। किसी के यार कंप्यूटर पे पेपर अच्छे से नहीं खुल रहा, किसी के ऑप्शंस में प्रॉब्लम आ रही है, किसी का पेपर पूरा नहीं खुला। तो ये जो टेक्निकल ग्लिचेस है उसमें बच्चों की क्या गलती। फिर इसके बाद जो सरकार की अग्निपथ योजना थी, इसमें काफी जगह पे प्रोटेस्ट हुआ था जिससे धारा 144 लागू हुई थी और इस वजह से बच्चों को सेंटर पहुंचने में दिक्कत हो रही थी। और इतना ही नहीं, धारा 144 लागू होने की वजह से काफी जगहों पे नेट का इश्यूज भी हो रहा था। अब यार नेट इशू है उस सेंटर्स में, प्रॉपर यहां पे आपका सिस्टम या टेक्निकल ग्लिचेस वगैरह हो रहे हैं, तो बच्चे को कैसे एग्जाम दे पाएगा, कैसे बच्चा एग्जाम सेंटर में पहुंच पाएगा सही टाइम पर। और इतना ही नहीं, कुछ बच्चों के साथ तो यह भी समस्या हुई कि अंतिम क्षणों में, लास्ट मोमेंट पे उनके सेंटर्स बदले हैं। तो ये सारी जितनी भी समस्याएं हैं, और साथ ही साथ रिस्पॉन्स शीट की बात करें, रिजल्ट की बात करें, काफी बच्चों के रिजल्ट्स भी चेंजेस हुए हैं। और ये एक या दो बच्चों की बात नहीं है, ये हजारों बच्चों की बात है। तो यहां पे मैं कहना चाहूंगा कि अगर एक भी बच्चे के साथ गलत हो रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सबको एनटीए से एक ही अपील करनी चाहिए कि यार जिन इतने सारे बच्चों के साथ अगर दिक्कत हुई है तो कहीं ना कहीं गलती तो आपसे हुई है। अगर हमारे कंप्यूटर अप टू मार्क नहीं है, अगर हमारे सीबीटी बेस्ड टेस्ट नहीं ले सकते हैं तो हमें नहीं लेना चाहिए था। एक बच्चे को भी अगर भविष्य के साथ हम खेलते हैं तो वो हमारे लिए गलत है। और आपको मैं बता दूं, एनटीए से अपील कर रहा हूं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि डेफिनेटली थर्ड अटेम्प्ट होना चाहिए, क्योंकि अभी तो हाथ से बिगड़ रही है चीजें। और अगर आपने इस पे रिप्लाई नहीं किया, अगर आपने इस पे कुछ बोला नहीं, तो और भी चीजें हाथ से बिगड़ जाएगी, बच्चों का विश्वास उठ जाएगा। ये बच्चों के भविष्य का सवाल है यार, जेईई मेंस, जो कि यहां पे बच्चा पूरे सालों साल तैयारी करता है, 2 से 3 साल लगा हुआ होता है सिर्फ इस विश्वास पे कि हाँ यार मैं पेपर देने जाऊंगा और पेपर को अच्छा करके आऊंगा। अब जेईई मेंस थर्ड अटेम्प्ट क्यों नहीं हो सकता यार। अगर यहां पे आपसे गलती हुई है तो क्यों नहीं आप उस गलती को सुधार सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यार सबसे पहले बच्चा तैयारी करता है 1 साल 2 साल 3 साल मेहनत से तैयारी करता है, उसके बाद अगर एग्जाम डेट की बात आती है तो आप डेट देने में भी इतना टाइम लगाते हैं एग्जाम्स की, और उसको भी आप चेंजेस करते हैं। और डेट आने के बाद आपने फिर से शिफ्ट कर दिए,
और इतना ही नहीं, चलो ठीक है बच्चे के डेट आ गई, बच्चे को पता चला कि यार मेरे जेई मेन का फाइनली एग्जाम होने वाला है, दो अटेम्प्ट होने वाले हैं, फिर बच्चा वेट कर रहा है एडमिट कार्ड का, उसको यार 10 से 15 दिन पहले एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा, उसको 2 से 3 दिन पहले मिल रहा है। यार एक सिटी से दूसरे सिटी में जाना है बच्चे को, कैसे उसकी रिजर्वेशन होगी, कहीं पे अग्निपथ योजना की वजह से प्रोटेस्ट चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, बच्चा टाइम पे नहीं पहुंच पाएगा। इतना ही नहीं, ठीक है बच्चा टाइम पे पहुंच भी गया सेंटर पर, लेकिन फिर दिक्कत कि यार उसका पेपर अच्छे से ओपन नहीं हो रहा। और ये एक बच्चे के साथ नहीं हुई, हजारों बच्चों के साथ हुई है। काफी बच्चों ने एनटीए को मेल भी भेजा है और एनटीए ने एक विंडो भी ओपन की थी जिसमें कुछ बच्चों को कहा था कि हम आपका एग्जाम दोबारा कंडक्ट करवाएंगे। लेकिन यार जिन्होंने मेल नहीं भेजा, जिन्हों को साथ वाकई में बड़ी समस्या हुई है, क्या उनको अधिकार नहीं है दोबारा एग्जाम देने का, थर्ड अटेम्प्ट देने का? अगर एनटीए से गलती हुई है, अगर टेक्निकल ग्लिचेस हुए हैं, तो डेफिनेटली थर्ड अटेम्प्ट होना चाहिए। एक भी बच्चे के भविष्य के साथ हमें नहीं खेलना है, क्योंकि यही बच्चे हैं जो देश का भविष्य बनाएंगे। और मैं आपको फिर से कहूंगा, हम लास्ट मोमेंट तक बच्चों के लिए लड़ेंगे। हम बच्चों को एनटीए से मैं अपील करूंगा कि वो डेफिनेटली बच्चों के थर्ड अटेम्प्ट को कंडक्ट करवाने के बारे में कुछ सोचे। अगर आप में से भी कुछ बच्चों के साथ दिक्कतें हुई है तो मुझे यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, मुझे आप बता सकते हैं, ठीक है? जो भी आपका इश्यूज रहा हो वो आप बता सकते हैं। डेफिनेटली हो सकता है कि काफी बच्चों को लग रहा हो कि सर अब तो एडवांस के फॉर्म फिल हो चुके हैं, अब कहाँ से थर्ड अटेम्प्ट हो पाएगा। तो आपको बच्चों सिर्फ ध्यान रखना है कि सत्य के साथ हमेशा सब होते हैं और हमें अंतिम क्षण तक हार नहीं माननी है। तो डेफिनेटली एक ना एक बार एनटीए जरूर सुनेगा और यहां पे हो सकता है कि थर्ड अटेम्प्ट कंडक्ट हो। धन्यवाद।